हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूँ पापिया। पापिया चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मतलब काम का वीडियो है और आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा और काम भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं घर पर बनाऊँगी शरबत और आज मैं दो शरबत का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि जब हम काम का वीडियो बनाते हैं तो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी गुड़ का शरबत और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है ग्राइंडर जार और ग्राइंडर जार में ले लेना है गुड़। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच गुड़ लिया है और आपके पास अगर गुड़ का पाउडर है तो वो आप पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 चम्मच गुड़ ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दे दिया है पुदीना पत्ता। तो पुदीना पत्ता 10 से 12 पुदीना पत्ता ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने दिया है काला नमक। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा जो शरबत बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने दिया है नींबू का रस। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ठंडा पानी और सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो गन मतलब गुड़ का शरबत है वो ग्राइंड होकर रेडी हो गया है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ग्लास लिया है और इसमें दे दिया है 2 जो गुड़ का शरबत है वो ले लेना है। और फिर इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। और जैसे पुराना ज़माने में क्या था, तो जैसे हमारे दादाजी लोग हो, पापा लोग हो, जैसे गाँव में जैसे कहीं से भी आते थे तो हम लोग क्या करते थे, जैसे घर पर देखा जाता था ज़्यादातर गुड़ दिया जाता था, गुड़ और पानी। तो आजकल जैसे गुड़ का शरबत बनाया जाता है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस रेसिपी का वीडियो शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए गुड़ का शरबत आप लोगों को बिल्कुल जैसे गन्ने का रस मतलब जूस का जो टेस्ट आता है ना, सेम वही टेस्ट आएगा। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ग्लास। और आप लोग अगर किसी को पिलाओगे ना तो वो मतलब बहुत ज़्यादा आपका तारीफ भी करेगा और आपसे रेसिपी भी मांगेंगे। दूसरा शरबत मैं बनाऊँ कच्चे आम से। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कच्चा आम लिया है और इसका छोटा छोटा पीसेस में काट कर लिया है। आपके पास जो भी आम है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ग्राइंडर जार लिया है और जो आम का पीसेस है वो सारे इसमें ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ऐड किया है, इसका जो आम का टेस्ट है ना और भी ज़्यादा मतलब अच्छा बना देगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप मिर्ची ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड किया है 4 चम्मच। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो चीनी का, जैसे आम अगर ज़्यादा मीठा है तो कम ले सकते हो चीनी। यहाँ पे मैंने पुदीना पत्ता लिया है, फ्रेश पुदीना पत्ता है और इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा मतलब अच्छा आएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच काला नमक ऐड किया है और 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ठंडा पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि पानी थोड़ा सा बाद में भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्राइंड हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और जो आम का जो शरबत है इसको हम छान लेना है इस तरह। तो देखिए अच्छे से इसको छान लिया है और जो ये ऊपर से जैसे आम का जो पल्प है इसको हम फेंकेंगे नहीं, कोई भी जैसे जब दूसरी बार चटनी वगैरह बनाएंगे तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 ग्लास ले लिया है और इसमें दे दिया है आइस क्यूब और ये जो शरबत है ना थोड़ा ठंडा ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा पुदीना का पत्ता दे दिया है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड किया है। तो ये जो आम का शरबत है वो ले लेना है ग्लास में। और आप लोग इस तरह एक बार घर पर बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मन करेगा आपको दोबारा बनाने का, मतलब सच में बॉडी इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी एकदम ठंडा चिल चिल जैसे होता है ना एकदम ठंडा सा पानी इसे ऐड कर दिया है और एक बार पूरा चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप बच्चों को एक स्ट्रॉ लगा के दे दोगे ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, जैसे लू वगैरह भी नहीं लगेगा। बच्चे हो या बड़े सभी को आप इस तरह बना के दे सकते हो। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना।
ऊपर से पुदीना का पत्ता दे दिया डेकोरेशन के लिए। और देखिए ग्लास जो है वो कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। यहाँ पे देखिए जाम का मतलब शरबत है वो बिल्कुल रेडी है, और आपको देखते ही मतलब मन करेगा आपको पीने का। और जो भी सामान मैंने यूज़ किया है जैसे हमारे घर पर होता ही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दो दो ग्लास आप लोगों के मतलब दिखा रही हो कितना सुंदर लग रहा है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पे नए हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल कोई नया वीडियो के साथ। और आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि कौन सा वीडियो मेरे को बनाना चाहिए, मैं डेली बोलती हूँ आप लोगों को, रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप लोग कौन सा वीडियो मतलब किस चीज़ का वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे को कमेंट करके बताना, ब्यूटी टिप्स हो या कुकिंग का वीडियो हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँ। और फिर आप लोग भी इस तरह शरबत बना के अपने घर पर बनाओ और सभी के साथ इंजॉय करो। तो फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।